नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा भूगोल अध्यापन पद्धति के विषय में चल रहा था, उसके पहले हमने टीचिंग एड के विषय में विस्तृत रूप से जाना, ज्योग्राफी रूम के विषय में विस्तृत रूप से जाना। आज कुछ उपयोगी प्रश्नों को लेकर हम आए हैं जो हैंड रिटन है। मैं जब बीएड कर रहा था उस समय मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जो मैंने खुद से तैयार किए थे, अंग्रेजी में थे, मैंने उसे ट्रांसलेट करके हिंदी में बनाया था, तो वही आज लेकर आया हूँ। आप लोगों को एक जो है खाका मालूम पड़ जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन इस विषय में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, भूगोल अध्यापन के लिए व्यावसायिक वृद्धि महत्वपूर्ण क्यों है? भूगोल अध्यापक के लिए व्यावसायिक वृद्धि प्राप्त करने के तरीकों को स्पष्ट करिए। किसी भी मेथड में हो, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, अंग्रेजी हो, लैंग्वेज हो, साइंस हो, मैथ्स हो, किसी भी अध्यापन पद्धति में अब उसकी व्यावसायिक वृद्धि कैसे हो, उसके तरीके अलग होते हैं। हिंदी की व्यावसायिक वृद्धि करने के तरीके अलग हैं, तो भूगोल के व्यावसायिक वृद्धि करने के तरीके अलग हैं। और ये क्वेश्चन मोस्टली आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है किसी भी मेथड का हो। आप बीएड कर रहे हैं, आप दो मेथड में बीएड करेंगे, दोनों मेथड में से आप किसी एक के टीचर बनेंगे, तो आप उसमें अपनी व्यावसायिक वृद्धि किस प्रकार करेंगे ये जानना महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों उत्तर देख लेते हैं। भूगोल शिक्षक अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को तभी अच्छी तरह निभा सकेगा जब वह स्वयं भी भूगोल प्रेमी हो, वह भूगोल अन्वेषक हो, उसे समसामयिक भूगोल का ज्ञान हो, वह भूगोल के प्रति जागरूकता का विकास कर सके, उसे नित नवीन प्रविधियों का उपयोग कर सके, अपना शिक्षण कार्य सफलतापूर्वक करे। इन सबके लिए आवश्यक है कि वह अपने व्यवसाय संबंधी वृद्धि पर निरंतर कार्य करता रहे। पहला है किस प्रकार करेंगे, विषय में मास्टरी, मतलब जो विषय उसे पढ़ाना है उसमें उसे तो मास्टरी होनी ही चाहिए। बिना मास्टर डिग्री के शिक्षक अपने विषय पर विद्यार्थियों के बीच अच्छा व्याख्यान नहीं दे सकता है। जब तक आप संबंधित विषय, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, ज्योग्राफी हो, तो ज्योग्राफी में आपने मास्टर्स किया तो आपको उस विषय में आपकी पकड़ मजबूत हो जाती है। तो शिक्षक या छात्र कह लें या पर्यवेक्षक कह लें, आपसे कोई क्वेश्चन आपके विषय से संबंधित पूछता है तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। आप कहने का मतलब ये है कि आप अपने विषय से विषय में अपडेट रहें। शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर्स ट्रेनिंग, शिक्षक प्रशिक्षण का कोर्स शिक्षक को परफेक्ट शिक्षक बनाता है। एक प्रशिक्षित शिक्षक सामाजिक और दार्शनिक कल्पना को समझने में योग्य होता है और अन्य तत्वों को समझाता है या समझता है। अगला है व्यावसायिक दृष्टिकोण। एक शिक्षक अपने कार्य और व्यवसाय के प्रति ईमानदार होना चाहिए, अपनी नौकरी के प्रति व्यावसायिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। नकारात्मक दृष्टिकोण व्यवसाय के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। चौथा है परिवर्तन के लिए तैयार रहना। एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षक को अपनी नौकरी के प्रति इस प्रकार संतुलन बनाए कि वह वर्तमान और भविष्य के लिए पर्याप्त हो। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन होने पर अपने आप को भी उसी प्रकार वर्तमान ज्ञान से जुड़ना चाहिए। इन सब के लिए एक शिक्षक को परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सोच और कार्य में गतिशीलता। एक सर्वोत्तम शिक्षक वह होता है जो अपने आप को हमेशा नए ज्ञान से परिपूर्ण रखता है, नई सूचनाओं की जानकारी रखता है। अपने विषय क्षेत्र में के विशेषीकरण के लिए उसे अपने आप को निरंतर नए ज्ञान को प्राप्त करने में व्यस्त रखना चाहिए। इस प्रकार वह अपना ज्ञान छात्रों में अच्छी तरह से वितरित कर सके और
और अपने व्यवसाय के प्रति न्याय कर सके। ज्ञान का भंडार, एक शिक्षक को हमेशा ज्ञान के भंडार का पुस्तकालय होना चाहिए, उसे अलग अलग प्रकार की पुस्तक जमा करनी चाहिए। इन सभी ज्ञान का अपने शिक्षण में उपयोग भी करना महत्वपूर्ण है। सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लेना, एक अच्छा शिक्षक हमेशा सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के में भाग लेने का प्रयत्न करता है। इस सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लेकर अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में योगदान, एक अच्छा शिक्षक अपने संप्रेषण को अपने ज्ञान से समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित करना चाहिए। इस प्रकार वह अपने ज्ञान से लोगों की सहायता करके उनको लाभ पहुंचाता है। प्रदर्शनी और मेले का आयोजन, सिर्फ प्रदर्शनी और मेलों के आयोजन द्वारा शिक्षक अपने अच्छे आइडिया को लोगों को बता सकता है। इस प्रकार छात्र समुदाय को अधिक लाभ होता है। इस प्रदर्शनी में भाग लेकर छात्र को प्रायोगिक अनुभव प्राप्त होता है। इस प्रकार के प्रदर्शनी और मेले का आयोजन से शिक्षक के ज्ञान और कौशल को विकास के साथ साथ छात्रों का भी विकास होता है। इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन एक साल में जरूरी होता है। एक संगठन बनाना चाहिए, अपनी क्षमता का विकास करने के लिए शिक्षकों को एक एसोसिएशन बनाना चाहिए। इस एसोसिएशन में मिलकर अपनी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। इस प्रकार के संगठन आसानी से फोरम बन सकते हैं और व्यावसायिक सोच, चर्चा और प्रकाशन के लिए इस प्रकार के एसोसिएशन से शिक्षक अपने अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और प्रायोगिक कार्य करते रहना चाहिए। ये कुछ जो है व्यावसायिक वृद्धि के तरीके थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानचित्र का आकलन, मानचित्र पठन, मानचित्र भरना। मानचित्र का इतिहास देख लेते हैं क्या है। प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक क्लाउड टॉलेमी ने सर्वप्रथम मानचित्र तैयार किया, परंतु ग्रीक एवं अरब भूवैज्ञानिकों ने आधुनिक मानचित्र विज्ञान में प्रौद्योगिकी की सहायता से मानचित्र बनाया। पहली बार मानचित्र तैयार करके पृथ्वी की परिधि, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग किया। भारत में 16वीं सदी में साधन संसाधनों की खोज के लिए यूरोपीय लोगों द्वारा अनेक मानचित्र तैयार किए और 1767 में ब्रिटिशों के द्वारा स्थापित भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा